अरे टीटू मामा आपने तो यहीं पे ही ले ली। Yo, what's up guys? तो कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel. मैं हूँ आयशा असलम और मैं हूँ हादिया खान और अभी हम रिएक्शन देंगे बीबी की वाइंस जिसपे आप लोगों की बहुत 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 सारी रिक्वेस्टें आ रही थी कि बीबी की वाइंस पे दो, तो हमने सोचा चलो यार दे रिएक्शन दे ही देते हैं। तो अभी इस वीडियो पे नहीं, जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे उस वीडियो का नाम है पानी की समस्या। पानी की समस्या तो देखते हैं क्या है पानी हर की घर की कहानी। हर घर की कहानी, बात तो सही है, हर घर की कहानी। तो यार देखते हैं कैसी वीडियो है, क्या है क्या नहीं है। खैर बीबी की वाइंस भुवन मान हम सबका फेवरेट है। तो पहले मैंने बताया था कि हम इस पर इसलिए नहीं देते रिएक्शन क्योंकि इस पर कॉपीराइट आ जाता है यार, इसलिए हम रिएक्शन नहीं देते। खैर अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट है तो हम दोबारा स्टार्ट कर देते, मसला ही नहीं है। खैर वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना और ऑल पे क्लिक करना। स्टार्ट करते हैं। एक जमाना था जब अखबार में अच्छी खबरें छपती थी, अब तो बस घोटाले, अपराध और ना जाने कौन कौन सी दुखद खबरें छपती हैं। ये देखो, प्रेमिका से शादी ना होने पर प्रेमी ने काटा हाथ। आजकल के लड़कों की हिम्मत देखो। और हम साला ब्लेड के डर से 6-6 महीना झाट नहीं काटते। अब बरसे का पानी, बढ़िया मौसम हो रहा है, एक चाय हो जाए। अरे सुनो, बढ़िया मौसम हो रहा है, टीटू को चाय पीने का मन है। क्या पूछा तूने? जो उसने बोला मैंने बोला क्या? अच्छा इसको समझ में नहीं आया, झाड़ नहीं काट। कमेंट सेक्शन में इसको बता दो यार क्या नहीं काट। क्या यार हिंदी बोलिए ना, मुझे समझ ले तुमको, पहले तो मुझे समझा। अबे पागल हो गई है क्या? बंदूक मत चलाओ दीदी, इनका मन है। किसी को चाय नहीं मिलेगी, घर में पानी नहीं है, है? कैसे? मुझे क्या पता, नलके में रुक रुक के पानी आ रहा है। अरे सुबह तो मोटर चलाई थी। गया गया। ए बेटा वो जाके तेरे छज्जे पे चेक कर, टंकी में पानी है कि नहीं। आप चले जाओ, मेरा पेट खराब। बेटा 5 मिनट का काम है, सीढ़ी लेके चढ़ जाओ ऊपर और देख ले बस। हाँ बेटा मैं नीचे से सीढ़ी पकड़ लूंगा। अंकल अभी कोई मेरे नीचे आ गया ना तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। मैं टॉयलेट हो गया, भुवन गया। अरे रे 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 रे। पेट दर्द की दवाई है? हाँ है बेटा, लेकिन घर में पानी नहीं है, गोली चबा के खानी पड़ेगी कुछ चूसने के लिए। हाँ वालिया साहब। हाँ जी नमस्ते, मैं सामने वाली बिल्डिंग से बोल रहा हूँ। कुछ चूसने के लिए? तुम अपने ब्लाउज बाहर सुखाती हो? नीचे वाली सुखाती है। अरे नहीं नहीं, मैं ब्लाउज वाली के ऊपर रहता हूँ, मतलब उसके ऊपर वाले फ्लोर पे रहता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे आपके घर में पानी आ रहा है क्या? टंकी खाली आपकी भी? मैं बोल रहा हूँ बंदरों की टोली आई है, सब बाथ टब के मजे ले रहे हैं। बंदर आए हैं क्या? अच्छा अच्छा, कह रहे कि बीवी के मायके वाले परसों आएंगे। हाँ ठीक है, आपको कुछ पता लगे तो बताना जी। जी पानी की समस्या देश भर में बढ़ गई है। हाँ कविता, क्या घर में पानी नहीं है? पूरे इलाके में नहीं है? देखा मैंने बोला देश में। मैं गुल्लू को बोल के बड़ी बोतल भिजवा दूंगा। हाँ आई मिस यू टू, जब तक मैं ना हूँ तो बर्फ चूस के काम चला लो। मैं कपड़े कैसे धोऊंगी? अंकल एक ही टॉयलेट। मैं कपड़े कैसे धोऊंगी, ये बर्तन कैसे धोएगी तू? शिट, ये क्या बोल दिया मैंने? नहीं कोई बात, तू गंदे कपड़े कैसे धोएगी, कहने का मतलब ये था। तू गंदे कपड़े कपड़े कैसे धोएगी? थैंक यू थैंक यू। अंकल एक ही टॉयलेट है पूरे घर में? हाँ बेटा हम बारी बारी जाते हैं, जब मैं टॉयलेट में होता हूँ और इसको लगती है तो ये दरवाजे पे आके कहता है पापा हो गई, नहीं भी हुई होती तो रोक के बाहर आ जाता हूँ। कोई और इंतजाम नहीं है? खैना लेके जाओ छत पे कर, खुले में हगने वाले तो ट्विटर पे भी हगते हैं। पापा पापा ट्विटर टॉयलेट में पानी नहीं है, पूरे घर में नहीं है, नलके में रुक रुक के पानी आ रहा है। आगे आगे। अबे फ्लश नहीं किया मैंने, मुझे घंटा तो क्या पिरामिड बनाएगा अंदर? बेटा बाथरूम से बाल्टी लेके उसमें पानी डाल दे। बाल्टी में भी पानी नहीं है, सिर्फ टिश्यू पेपर से साफ किया मैंने। मैंने तो सुना है कि बाहर के देशों में टॉयलेट में पानी होता ही नहीं, वो टिश्यू पेपर से ही साफ करते हैं। तब तो उनके चूतड़ वेलक्रो की तरह खुलते होंगे। यार सुबह तो टंकी फुल थी। जीजा जी कितनी देर तक खड़े रहते हो शावर में? अरे कहाँ शावर यार, बाल्टी से नहाता हूँ और शावर के ना सारे छेद भर गए हैं, बस एक बीच का छेद चलता है, उसमें से इतनी तेज धार से निकलता। अरे बेटा जाके शावर चालू करके उल्टा झुक के खड़ा हो जा। पानी नहीं आ और उल्टा झुक के क्यों खड़ा हूँ? तो फिर पानी खत्म कैसे हुआ? ये नहाता है 4-4 बाल्टी से। तो उल्टा झुक के खड़ा होगा तभी तो धुलेगी, साफ होगी यार, तू टिश्यू पेपर से साफ करके आए। ओ, मुझे जरूरत होती है मेरे लंबे बाल, उस हिसाब से तो मुझे समुद्र में डुबकी लगा लेनी चाहिए। तुम कहाँ शिल्पा शेट्टी बन रही हो?
बेटा 2020 तक 21 शहरों में पानी की किल्लत हो जाएगी, ना जाने रोज कितने लोग पानी न मिलने की वजह से मर जाते हैं। अरे तुम लोगों के पास सुविधा है तो ढंग से प्रयोग करो ना, एक दो बाल्टी में हो जाता है नाना। मामा मेरे अकेले के दो बाल्टी कम इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ेगा? तेरी तरह अगर 1 करोड़ लोग 2-2 बाल्टी बचाने लगे सोच कितना करोड़ों लीटर पानी बचेगा। जो लोग 3 दिन में एक बार नहाते हैं उनके लिए 4 बाल्टी सही है। 50 में से 30 गए कितने बचे? 20। 20 में से 15 गए तो 5। 5 में से 5 गए तो 0। दैट मेनी फक्स आई गिव अबाउट योर ओपिनियन। जीजा जी मैंने आपको भी देखा दाढ़ी बनाते टाइम पानी खुला छोड़ देते हो। वो तो कभी कभी, यही चीजें तो आदत बन जाती हैं। सोच अगर तू 2 बाल्टी कम से नहाता तो 1 बाल्टी से तेरा फ्लश हो जाता और 2 बाल्टी से तेरी माँ कुछ कपड़े धो लेती। और जीजा जी अगर आप भी शेव करते टाइम नलका बंद रखोगे तो इतना पानी बचा लोगे कि कहीं कोई एक परिवार तो पैसा नहीं सोएगा। निकल गए। इतनी तेज आवाज सुन के तो वैसी गाल फट जाती है। अब तो गाल में बारूद भी है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ी थी, लाइन होती एंशिएंट मैरिनर, उसमें एक लाइन थी, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। मेरी टट्टी की कोई बात नहीं कर रहा मैं। इतना समझदार होता तो बाल्टी खुले में रख देता, अभी तक भर गई होती रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब तो बहुत टाइम लग जाएगा, बाल्टी में ही कर दूं। इसका मतलब कचरा कचरा दरिया बन, फावड़े से ऑमलेट की तरह फेंक रही हो। बैक खच्चर की लींद, बाल्टी में कर दूं। जब आपको आएगी ना तब देखूंगा मेरा हाजमा ठीक है। जोर से बोलिए। कोई ये तो सोचो मैं खाना कैसे बनाऊंगी नलके में रुक रुक के। हाँ हाँ पता है, रुक रुक के पानी आ रहा है, हकला है नलका। टोमेटो से मंगवा लेता हूँ। अरे नहीं यार, पिछली बार फुल चिकन मंगवाया था, लेग पीस एक ही था, लंगड़ा मुर्गा होगा। वो कर रहा है। निकल गया। ओ शिट, शिट। हट जा। फ्लश नहीं किया मैंने। वे फ्लश नहीं किया। अखबार में तो पानी की समस्या के बारे में कुछ खास बताते नहीं। क्या जरूरत है, किसको परवाह है। जिनके पास भरपूर पानी है वो तो एंटरटेनमेंट की खबरें पढ़ते हैं, उनको दीन दुनिया में क्या दिक्कत चल रही है उससे कोई परवाह नहीं है। मैंने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया, शुरू के कुछ पन्ने तक तो एडवर्टाइजमेंट ही दिखती है, मेन खबर बाद में। ये सेल, वो सेल, 12 बजे की सेल, हेयर ट्रांसप्लांट की सेल, फिल्म का पोस्टर, रीमेक का पोस्टर, उसके गाने का पोस्टर। ओहो 4 BHK का विला कहाँ थे, गुड़गांव में, सिर्फ 15 लाख दो और भूल जाओ, क्यों गजनी हूँ भैंचो। रक्षाबंधन के गहने, दिवाली के गहने, दीपिका के उतारे हुए गहने, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट, सेल 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 के बाद मर्डर और रेप। अरे इतने जज्बाती हो गए, इतने मतलब बोलते ही गए, बोलते एंडी कर गई। मर्डर और रेप लास्ट में। हाँ मर्डर और रेप का बोल के तो बस दुनिया हिला दी। अच्छा वो स्मेल कैसे करती है? क्यों तुझे आ रही थी क्या? यार आ रही थी नहीं यार, यार बोल रही तो यार आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हमने इस पे रिएक्शन दिया। और आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, मजे की लगी कि नहीं? नॉर्मल थी ये, मतलब मुझे नॉर्मल लगी। नॉर्मल लगी? नहीं मुझे तो अच्छी लगी। पता है अच्छी थी बट नॉर्मल लगी। पता है क्यों? क्योंकि यार वो अकेला बंदा इतने सारे रोल करता है, इतनी मुश्किल से वीडियो एडिट करता है, उसके बाद क्या बात है यार। नहीं यार इस पे तो मैं भी जबरदस्त है, ग्रेट। बट वो नहीं जैसे फनी होती लाइक, बट उसमें थोड़ा वो था, मैसेज था ना इसमें कि पानी बचाओ, हर घर की समस्या, पानी बचाओ। तो यार हाँ, ना फ्लैश नहीं कर पाओगे। सही बात है, फ्लैश नहीं कर पाओगे, हरामी हो, फ्लैश नहीं कर पाओगे। जस्ट फॉर अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी कोई नहीं, अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी। ओवर हो रही हूँ है ना, ओवर हो रही हूँ। तो खैर गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दें, और हमें बताते रहें कि हम कौन सी वीडियो पे रिएक्शन दें, किस पे नहीं दें, और जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस पे देंगे रिएक्शन। या तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू।